ओके गाइस बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी। तो आज मैं हूँ कन्याकुमारी में, क्योंकि मैं सोलो बाय ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूँ। कटरा या जम्मू से नहीं, प्रॉपर कश्मीर से आया हूँ कन्याकुमारी बाय ट्रेन। अगर किसी ने वो जर्नी नहीं देखी है, 3 पार्ट्स में है, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो मिल जाएगा। एंड अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि वो बूफे है तो थोड़ा जानवर सा बन जाता हूँ, तो मैं दिखाऊंगा नहीं। मार्केट में मिलते हैं, पहले आप रूम टूर लीजिए, उसके बाद फिर हम सीधा मार्केट में मिलेंगे। अब देखो यार, अब मैंने 0.5 पे कर दिया ना, आई थिंक अच्छा लग रहा होगा। ये वॉशरूम है एंड दैट्स इट, रूम टूर इतना ही होता है। लड़कियों को आता है ज्यादा अच्छा देना, लड़कों को नहीं आता। ये लाइन लगी हुई है ऊपर तक की। मैं तो नहीं जा रहा अंदर, मुझे यार अंदर रख लगा यार। कुछ सही चीज दिखी है मुझे कन्याकुमारी में, रेड बोर्ड कतरा कूड़ा कुड़क मटीला ये भाई लाइन लगी है, मैं नहीं जा रहा अंदर। तो अभी मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी बीच पे, सामने ही बीच है बिल्कुल। किसी को गाड़ी लगानी हो, होटल की पार्किंग ना हो, ये पार्किंग है यहाँ पे कन्याकुमारी बीच के पास ही। ये बीच की तरफ आते हुए मार्केट है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा। यहाँ पे मूर्तियां दिखी मुझे, म्यूजियम है यहाँ पे। तो लेफ्ट पे बीच है, राइट पे शायद कहीं रोड जा रहा है उस तरफ, बट ये भी मार्केट ही है। रास्ते को कितना लगा हुआ भाई। ये है रॉक मेमोरियल। अरे भाई यहाँ तो बहुत शोर है, बहुत रश हो। ओ भाई वो जा रही वहां से फेरी। मुझे आ रही है ड्रोन उड़ा के, मौका नहीं मिल रहा मुझे। अगर वहां से उड़ा सकता हूँ मैं, मगर हवा देखो क्या चल रही है। इस साइड नहीं चल रही है, राइट साइड में इस साइड चल रही है ज्यादा हवा। तो मैं आ गया यहाँ कॉफी पीने के लिए, और कॉफी देखो कैसे दी उन्होंने। अभी मैं बैग वैग उतारता हूँ, ड्रोन का बैग ले जा रहा हूँ अपने साथ साथ, पावर बैंक के साथ। अरे यार अच्छा ये इसने दिया कॉफी। अबे भाई साहब तो कतई गर्म हो गया, इसमें कैसे पुआ करूँ उसको मैं। अरे यार है कि हंकी तो लाया नहीं, मैं जेब में जगह ही नहीं थी। अब क्या करें इसका, टिश्यू लेते हैं भाई से। तो भाई से मैंने टिश्यू ले लिया, सो दैट आई कैन ग्रिप इट एंड पोर इट इन दिस। तो ये थोड़ी थोड़ी करके पी जाती है, ठंडी कर करके ऐसे ऐसे पी जाती है। होगी ठंडी है,
करके दिखा दूंगे। क्या शानदार कॉफी है यार। ओए होए, बाहर धूप थी यार बहुत ज्यादा, गर्मी लग रही थी वहां धूप में। ये जो ब्लैक ऑरेंज और ब्लू में चल रहे हैं ना लोग, इनको कहते हैं यहाँ स्वामी। तो ये किसी यात्रा पे निकले हुए हैं, बिकॉज ट्रेन में भी मैंने देखा वहां से तिरुपति से आ रहे थे ये लोग, तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। अभी जाऊंगा मैं आगे करके थोड़ा, ड्रोन का तो अभी पॉसिबल यहाँ लग नहीं रहा है। होटल गलत ले लिया रात को, मुझे लगा उनके टेरेस से उड़ जाएगा, बट उनका होटल कुछ ऐसा है कि वहाँ से उड़ नहीं सकता, बीचों बीच है वो, उड़ जाएगा वैसे तो देख लूँगा अगर यहाँ से मौका नहीं मिला कहीं से। मैंने देखा ही नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ। अब भाई कहाँ रख दिया भाई इसका। Nice. ये सही तरीका है, हम नहीं पीते ना, प्लास्टिक वालों में पीते हैं ये। भाई सब्सक्राइब करवा के गए हैं अभी चैनल को, कहते हैं मेरे को भी लाना, मैं तू जा मैं लाता हूँ तेरे को। ये स्वामी थे, हिंदी नहीं आ रही थी बेचारे को, मैं उन्हें पूछा दो तीन चीजें, कोई फायदा नहीं था कम्युनिकेट करने का। ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं बेसिकली, सुबह के 9 बजे इडली वड़ा सब्जी खा रहे हैं। मैंने पहले पूछा इनसे कि मैं वीडियो बना लूँ क्या, कहते यस यू कैन। इडली वड़ा पूरी, ओके थैंक यू। बिल्डिंग देखी है उसके ना सर्कल सर्कल चढ़ के ऊपर है, उसके सामने विंड सॉरी वेव्स जो है ना, वेव्स बहुत जबरदस्त आ रही है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। मुझे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, अब वहां लाइन ना हो, लाइन होगी तो मैं निकल आऊंगा, मैं नहीं करूंगा फिर, मैं बाहर से दिखा के निकल जाऊंगा। ये क्या भाई बिक रही है यार, ये गर्मी हो रही है। 3-4 मार्केट घूमा मैं, सब जगह जैकेट बिक रही थी। अच्छा यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, गुड। अबे घोड़ा नहीं हुआ, नाइस प्लेस यार, ड्रोन तो वहीं से उड़ेगा, बट यहाँ पे पूरा सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है, वो आगे से लेकर यहाँ तक टावर्स तक ऑलमोस्ट सारा सीटिंग अरेंजमेंट है। डेक पे बैठ के आराम से समंदर के नज़ारे, बढ़िया लगा मेरे को ये सिस्टम। तो पहले व्यू टावर को छोड़ के नीचे रहते हैं, यहाँ से आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। तो मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, यहाँ पे वेव्स बहुत तेज़ है, तो मुझे वेव्स की वार्निंग आई है कि हवा विंड तेज़ है, तो उसको ड्रोन अपने होम पॉइंट पे वापस नहीं आएगा, और वैसे भी यहाँ बादल हैं तो हवा ज़्यादा ही कुछ तेज़ चल रही है। तो अभी चलते हैं फिर टावर के पास ही चलेंगे अभी। तो यहाँ का टिकट 15 रुपये का टावर का, ये आ गए हम टावर पे।
भी देखने वाली जगह यार, क्योंकि वो दिख रहा वहां से, ये यहाँ से दिख रहा है। अच्छा पैदल चढ़ना है। अन्ना सोया है। अच्छा, ओ वाह यार, क्या शानदार लग रहा है समंदर यहाँ पे। अमेजिंग अमेजिंग यार, अमेजिंग। वाह अरे यार, खूबसूरत लग रहा है। अभी ऊपर जाना है, और है एक, अभी और एक है, दिखाता हूँ कितना ऊपर आया हूँ मैं। ये देखो, अभी और ऊपर है, बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा था यार। दस से बस पहुंच गया मैं ऑलमोस्ट। इतना नीट एंड क्लीन पानी ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा यार। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। जबरदस्त लग रहा है यार ये कन्याकुमारी का व्यू पॉइंट, जबरदस्त है, जबरदस्त। अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, अमेजिंग। पसीने आ रहे हैं मुझे, गर्मी लग रही है बहुत तेज यार। अब चलते हैं होटल, क्योंकि 12 बजे चेकआउट है, 10:20 हो रहे हैं, होटल चलते हैं। मैं ना D30 हूँ, फिर से आ गया एक बार ड्रोन शॉट लेने यहाँ पे, क्योंकि धूप हो रही है तड़ाके की, और शॉट आएगा अगर आ गया ना इस टाइम, उड़ गया ना ये, मज़ेदार शॉट आएगा इस टाइम। 4K 30 FPS में ज़बरदस्त आएगा शॉट। पसीने देखो क्या आ रहे हैं। अरे भाई गर्मी लग रही है ख़तरनाक वाली, ज़बरदस्त गर्मी हो रही है धूप की वजह से। हम एक काम करते हैं, चढ़ाते हैं ड्रोन, देखो अब ड्रोन शॉट तब तक। मैंने बड़ी मुश्किल से एक लिया, मुझे लगा कि एक बार के लिए कि चला गया पानी में ड्रोन, बट गया नहीं, थैंक गॉड बच गया ये। तो अभी चलते हैं होटल। भाई साहब अभी भी लाइन लगी हुई है, अब उस तरफ लाइन होगी, पहले लेफ्ट साइड जब मैं आया था तब थी, अब उस साइड लाइन है। मैं नहीं जा रहा भाई, मुझे ऐसा नहीं काम करना। होटल चलते हैं, सही में बैठते हैं और चेकआउट करते हैं, नहा धो के तो चलते हैं अब यहाँ से। मैं हो गया ऑलरेडी, चेकआउट करते हैं, क्योंकि 12:10 हो रहे हैं यार, तो सामान भी ये पड़ा हुआ, आधा मैंने उठा लिया, ड्रोन वगैरह उठा लिया मैंने, एंड बस अब निकलते हैं। थोड़ा लूज सा रखा हुआ मैंने अपने आप को, गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो चप्पल पहन तो निकलते हैं, और टोपी भूल गया था मैं। चलो जी, यहाँ तो मसला हो रखा है इस वक्त चीज़ों का, तो मैं बुलाऊँगा नहीं किसी को, मैं खुद ही लेके जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी 12:10 हो रहे हैं। चलते हैं नीचे और देखते हैं कैसे जाएंगे हम क्वारकला, क्योंकि यहाँ से बसेस लेनी पड़ती हैं, तो मिनिमाइज रखते हैं। सेकेंड में पसीना आ गया यार, यहाँ 2 सेकेंड के अंदर अंदर पसीना आ गया, तो अभी चलते हैं, चेकआउट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने ऑटो करा है, एंड ऑटो में ही जा रहा हूँ मैं फिलहाल, बस स्टैंड से त्रिवेंद्रम जाएंगे, एंड त्रिवेंद्रम से फिर वारकला के लिए अलग से बस मिलेगी। मैंने अभी गाड़ी वाले से बात करी थी, गाड़ी वाला पता क्या कहता, मतलब कैब वाला कहता 4,500 प्लस पता नहीं क्या टैक्स, पता नहीं क्या देना था इसको, 100+ रुपए। मैंने बोला भाई तू पागल है क्या, 130 रुपए लग, 130 किलोमीटर है सॉरी, 130 किलोमीटर के तू 4,500 रुपए चार्ज कर रहा है, पागल है क्या तू। मैं इतना अंधा पैसा नहीं है मेरे पास, मैं बस से ही चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अभी चलते हैं बस स्टैंड। बाय बाय कन्याकुमारी,
अबे यार ये रही बस यार, इतनी कटारा बस है यार ये तो। अन्ना कोई और बस नहीं है, सिर्फ यही है। अबे भाई साहब, तो कन्याकुमारी से वारकला के लिए डायरेक्ट ट्रेन हैं, बट वो 3 बजे की है और मैंने 12 बजे चेकआउट कर दिया था, 12:10 पे, एंड मैं यहाँ आ गया बस स्टैंड पे। तो मैं यहाँ से पहले त्रिवेंद्रम जाऊंगा, त्रिवेंद्रम से फिर मैं दूसरी बस लेके वारकला जाऊंगा। तो इतना वेट कौन करेगा 3 बजे तक का, कहाँ बैठूंगा यहाँ वैसे गर्मी बाहर इतनी। अब मैं होटल पे बैठकर सामान मार रहा था, कुछ और करने जाता, मैं ऑलरेडी सफाई कर चुका हूँ सब कुछ यहाँ पे। तो अब ये है कि मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा त्रिवेंद्रम बस से, एंड अगेन फिर आगे बस लूँगा त्रिवेंद्रम से वारकला की। ऐसा बस ड्राइवर भैया रेडी हो रहे निकलने के लिए, 12:30 बज रहे हैं, टाइम देखो एग्जैक्ट टाइम पे चल रहा है, सही है। अभी हमारा कन्याकुमारी क्रॉस, कन्याकुमारी क्रॉस हो रहा है। भाई ने 2-3 स्टॉप कर लिए अभी तक, ये रेलवे स्टेशन है, यहीं से आया था मैं कन्याकुमारी। वाओ, बस में ट्रैवल करने का भी अलग ही मजा है यार। ऑब्वियसली बचपन में करा है, पहले भी करा है, बहुत करा है। भाई ये कौन सी गली से निकल रहा है यार? अरे भाई साहब, अच्छा आगे रोड कनेक्ट कर रहे हैं, रोड क्या है ये सारा, मतलब ऐसा ही है यार, नाटा टूटी। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, नाटा टूटी में हमारे में ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ से कहाँ कट लेगा अभी, मैंने तो मैप खोला नहीं है। इसी बार आया तो था मैं, बट वो मैप के जरिए चले थे हम, जहाँ से मैप जा रहा था जहाँ में सीधे जाना है अभी नहीं चल रहा ये जाएगा। तो आया तो था मैं पिछली बार यहाँ से, कुछ दुकानें देख रहा हूँ तो फिर पता चल रहा है कि हाँ भाई तुम आए थे यहाँ से, यहाँ पे रुके हुए थे कहीं पे, या कुछ लिया था तुमने, होता है ना कि मतलब अभी रिसेंटली आए थे, 1 साल होने वाला है, 11 महीने हुए ऐसा ही। जो सामने पहाड़ है बताओ, इसमें गर्मी होती है ठंड होती है? इनकी प्रसिद्ध है धूप के लिए। एक चीज बताना भूल गया, अगर बारिश होगी ना वैसे बादल बंद होने, इसमें शीशे नहीं है इसे, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा शीशे के लिए। हम अभी भी क्या तमिलनाडु में ही हैं। मैंने क्या बोला था, बारिश हो बहुत, एक यहाँ तो पानी आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, बारिश का पानी तो आएगा यहाँ यार। तो ये हमारी एंट्री हो रही है नागरकोइल बस स्टैंड पे। भाई उद्धम को जा रखा है इतने द्वार के इलाके पे, मैंने माफ कर दिया उनको, वीडियो ने बनाई उद्धम को, उद्धम को जा रखा है मेरी तरह गाड़ी चला रहा है।
कभी कभी मैं भी ऐसे ही चला लेता हूँ। एक भी छोटी गाड़ी नहीं जिससे ओवरटेक ना कराओ, वो दम मचा रखा है ऐसे रोड पे। बाइक वाले डर डर के साइड हो रहे हैं, छोटी गाड़ी वाले साइड हो रहे हैं। हमारा रह गया है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर, 57 मिनट दिखा रहा है ये। त्रिवेंद्रम 3:34 में पहुंचे हम। अगर किसी ने मेरा कन्याकुमारी टू कश्मीर वाला ब्लॉग देखा होगा ना, तो उससे ये जगह पता होगी, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग में ऑलरेडी दिखा रखी है ये जगह। यहाँ पे बस स्टॉप हो गया, ये जगह मैंने दिखा रखी है। खैर, कश्मीर टू कन्याकुमारी टू कश्मीर वाले ब्लॉग, ये ब्रिज मैंने दिखाया हुआ है। ये फ्लाई ओवर चल रहा है, अभी ख़त्म हो जाएगा, फ्लाई ओवर नहीं है। ये है त्रिवेंद्रम सेंट्रल ऑफ डीवीएस। ऑलमोस्ट पहुंच गए 3 घंटे बाद। त्रिवेंद्रम से मुझे जो बस मिली वो कलम्बलम के लिए थी, कलम्बलम पता नहीं कुछ ऐसा कुछ नाम था। डायरेक्ट वारकला के लिए कोई बस नहीं है त्रिवेंद्रम से, तो मैंने ऑटो कराया। अब यहाँ से कलम्बलम से 15 किलोमीटर दिखा रहा है मैंने, जहाँ पे होटल बुक करा है, एक कॉटेज बुक करा है छोटा सा। तो ये मेरा सामान है, एंड दिस इज मी। अभी हमें लगेंगे कोई 20-25 मिनट लगेंगे वहाँ तक। अभी ऑटो में चल रहे हैं, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर्स है। 350 रुपये लिया ऑटो वाले ने वहाँ तक के, बहुत कम रेट लिया इसने 15 किलोमीटर के। अभी चलते हैं अंदर। तो आज ये सिंपल सा रूम लिया मैंने, ज़्यादा वॉश पॉश नहीं करा रूम को। ये वॉशरूम है, सिंपल सोबर सा। और कल के लिए दूसरा होटल करा है, क्योंकि जो मुझे लेना था वो मुझे मिला नहीं। फैन को तो बंद करूँ पहले यार, शोर मचा रहा है। अबे तो अभी फेस वॉश करते हैं, सीधा चलते हैं क्लिप पे, मैं दिखाता हूँ क्या चल रहा है। तो भाई यहाँ करा है ऑर्डर, ये भाई ने फिश दिखाई मेरे को, फिश एक आ रही है, क्या था रेड कुछ करके, म्यूजिक हो दे यहाँ पे। ये ऑर्डर करा मैंने, बहुत थकान हो गई है भाई, तो मेरा अभी खाना भी हो गया। फिश खाई थी मैंने, उसके बाद मैंने फ्राइड राइस भी एक जगह से खाए, अब्बा करके रेस्टोरेंट है यहाँ पे लिफ्ट पे ही, वहाँ पर मैंने खा लिया। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब तो नींद आ रही है, अब सो रहा हूँ। और आपको मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।